हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मी पूनम असवाल तो आज हम क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक की है तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है तो चलिए देखते हैं तो पहले हम बात करेंगे एनिमल सेल की फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्लांट सेल की और हाँ स्टूडेंट अगर आपको क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के या सोशल के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर जो मेरे चैनल का प्ले है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल और प्लांट सेल उसमें क्या डिफरेंशिएट है तो एनिमल सेल दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल तो जो एनिमल सेल होता है उसमें ना कोई भी सेल वॉल नहीं होती है और जो प्लांट सेल होता है दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज तो जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या होता है उसमें सेल वॉल होती है ठीक है एनिमल सेल में क्या होता है सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट किसकी मेड होती है वो सेलुलोज की होती है सेकेंड है प्लास्टिड्स आर एबसेंट्स तो जो इसमें एनिमल सेल्स में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं कौन से कलर्स के होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं ठीक है सेकेंड जो प्लां प्लांट सेल है उसमें क्या होता है प्लाटसिट्स आर प्रेजेंट उसमें प्लाटसिट्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं थर्ड है वैक्ुलस आर एबसेंट इफ़ आर प्रेजेंट दे आर आर स्मॉल वैक्यूलोस क्या होते हैं इसमें ना एबसेंट होते हैं बट इफ़ अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल होते हैं मतलब छोटे छोटे होते हैं और प्लांट सेल की बात किया जाए तो वैक्यूलोज आर प्रेजेंट एंड लार्ज इन साइज तो वैक्यूल उसमें होते हैं और वो बड़े बड़े साइज के होते हैं ठीक है अब एनिमल सेल में देखते हैं एनिमल सेल कैन नॉट सिंथाइज देयर ओन न्यूट्रिएंट तो एनिमल सेल क्या होता है अपने आप सिंथाइज नहीं कर सकता अपना न्यूट्रिएंट्स और जो प्लांट सेल होते हैं प्लांट सेल कैन सिंथाइज देयर ओन न्यूट्रिएंट्स सच एज वाइटामिन एंड एमिनो एसिड तो जो प्लांट सेल होते हैं वो अपने आप ही क्या कर सकते हैं ओन न्यूट्रिएंट कर सकते हैं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें तो वाइटामस हो गया और एमिनो एसिड हो गया फिफ्थ है एनिमल सेल्स का माइट्रोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन अ लार्ज नंबर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है उसमें प्रेजेंट होता है किसे नंबर में लार्ज नंबर्स में और जो प्लांट सेल है माइट्रोकॉन्ड्रिया इज़ अ प्रेजेंट इन अ स्मॉल नंबर माइट्रोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है बट वो स्मॉल नंबर में होता है ठीक है एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही माइट्रोकोंड्रिया होता है प्रेजेंट होता है बट ये है कि जो एनिमल सेल होता है उसमें लार्ज नंबर में होता है और जो प्लांट सेल होता है उसमें स्मॉल नंबर में होता है तो ये था क्वेश्चन नंबर वन का आंसर जो कि प्लांट सेल और क्या था एनिमल सेल में क्या करना था डिफ्रेंशिएट करना था अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर टू तो इसमें पूछा गया है हाउ इज़ अ प्रो सेल डिफरेंट फ्रॉम यूक्रेटिक सेल्स तो जो प्रो सेल्स है और जो यूक्रेटिड सेल्स है उन पे क्या करना है हमें डिफ्रेंशिएट करना है जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो प्रो सेल्स क्या होता है सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मैम्रेज

सेल में ठीक है थर्ड है प्रोक्यूरोटिक्स में सिंगल क्रोमोजोम उसमें क्या होते हैं प्रोक्यूरोटिक में सिंगल क्रोमोजोम होते हैं और दूसरे वाले सेल में क्या होते हैं सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टी क्रोमोजोम भी हो सकते हैं ठीक है फोर्थ है प्रोक्यूरोटिक्स का कि ऑलवेज अनसेलुलर इसमें क्या होगा हमेशा वो अनसेलुलर रहेगा हमेशा और यूक्रेटिक्स में क्या होगा ऑफन मल्टी होगा फिफ्थ क्या होगा प्रोक्यूरोटिक्स का कि सेल डिवीजन इज बाय बाइनरी फिजन जो सेल डिवाइड होगा वो किस में होगा बाइनरी फिजन में होगा और दूसरे वाले सेल में क्या होगा कि सेल डिवीजन इज बाय माइटोसिस उसमें सेल डिवीजन होगा कैसे कि माइटोसिस से अगर हम लास्ट वाला इसका जो डिफ्रेंशियट है उसमें एग्जाम्पल देखिए प्रोकिरोटिक के वो क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और दूसरे वाले सेल में क्या होते हैं फंगी होते हैं प्लांट सेल होते हैं एंड एनिमल सेल होते हैं तो ये था डिफ्रेंशिएट किसका प्रोकिरोटिक्स का और दूसरे सेल्स का अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें पूछा गया है वॉट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रपच्चर ऑफ ब्रेक डाउन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो क्या होगा आंसर है इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज रप्चर देन द सेल विल डाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दस इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रेप्चर देन द सेल माइट लीक आउट इट कंटेंट यानी अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो सेल क्या होगा सेल मर जाएगा क्योंकि अंदर वाले सब्सटेंस क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे तो इसलिए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी तो क्या होगा कि अंदर वाले सब्सटेंस क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर फोर्थ व्हाट वुड द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटिस यानी गोल्गी एपरेटिस नहीं होगा तो सेल की लाइफ का क्या होगा Answer hai, Golgi apparatus play the important role of packing various substances for further use or storage. If there was no Golgi apparatus, various substances would not be in a position of, to be a transformed proper forms for further use. Certain substances like a protein and lipids are important for the formation of plasma membrane, and hence absence of Golgi apparatus will hamper the formation of new cell during cell division. क्या होता है गोल्गी एपरेटस का, का काम होता है पैकेजिंग करने का ठीक है क्या काम होता है पैकेजिंग करने का काफ़ी सारे सब्सटेंस ये क्या करता है ये पैक करता है और फिर इनको क्या करता है इनको वो स्टोर करते हैं अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो जो सब्सटेंस है वो उस पोजीशन में नहीं होगा कि वो पैक हो जाए और वो प्रॉपर एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पाएंगे और फिर इनका इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है ठीक है और जो कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स है ये क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं तो गोल्गी एपरेट्स अगर एबसेंट होगा तो फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग करके भेज देता है अगर वो पैकिंग नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा ये था क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर फाइव वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गॉड सिंथिस यानी लिपिड्स और प्रोटीन कौन बनाता है सेल मेम्ब्रेन के आंसर है लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन आर सिंथिसाइज इन देंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रेटिकुलम। आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा है आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ठीक है कौन है ये लिपिड्स और प्रोटीन कौन बनाता है ये दोनों बनाते हैं एस -E और आर ई -E आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और क्यों होता है आपको ये बताना है आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल दी पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द फूड एंड स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी व्हिच इज़ कॉल दी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल दिस एनर्जी इज लेटर यूज बाय द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द सेल तो कौन सा ऑर्गेनेल होता है जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है ये एनर्जी सेल को एनर्जी चाहिए होती है और वो ये स्टोर करता है यूज़ करता है किसके फॉर्म में ए के फॉर्म में सेल की करेंसी ए होती है और सेल इस एनर्जी को यूज़ करता है वेरियस एक्टिविटीज़ में तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ओके अब बटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डज एन एमोबिया ऑप्टेन इट्स फूड एमोबिया अपना खाना कैसे खाता है आपको ये बताना है आंसर है एमोबिया ऑप्टन इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस the flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf the solid particles of food and other material from its external environment. तो एमोबिया क्या होता है एमोबिया ना अपनी ना शेप बदलता रहता है जैसे ही उसके मुंह में खाना आता है वो अपने मुंह का शेप बदल देता है फिर वो खाना थोड़ा और अंदर आता है वो थोड़ा और अपना शेप क्या करता है बदलता है जैसे हम लोग करते हैं ना कि अपने हाथ से खाना उठाते हैं तो अपना मुंह थोड़ा सा ओपन करते हैं फिर थोड़ा वो आगे और खाना हम आगे बढ़ाते हैं अपने मुंह की तरफ तो हम अपना मुंह थोड़ा और खोलते हैं फिर जब वो मुंह के अंदर चला जाता है तो वो पूरा अंदर चला जाता है तो फिर हम उसे चबाते हैं तो वैसे ही क्या करता है एमोबिया भी अपनी शेप क्या करता है बदलता रहता है और इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस बोलते हैं ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हाट इज ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है आपको ये बताना है और ये जो क्वेश्चन है ऑस्मोसिस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में आता है तो चलिए देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ अ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू बी अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी प्रियमेबल मैमब्रेन इज नोन एज ऑसमोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस क्या कहा जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस

क्वेश्चन का मतलब है कि हमें ना चार आलू दे रखे हैं और चार आलू को क्या किया गया है कि उनको बीच में से कैविटी कर दी गई है कैविटी मतलब बीच में होल कर दिया गया है ठीक है और चार पटैटो है उनका नाम दिया गया है ए बी सी एन टी तो अब वो बोल रहे हैं कीप कप अम टी तो एक कप लिया गया उस कप में क्या कर दिया गया है चारों पटैटो को डाल दिया गया है तो जो पटैटो जो ए वाला होगा उसको एम रखा है यानी खाली रखा है अब जो पुट जो बी वाला है पुट वन टी स्पून शुगर इन कप बी और जो कप बी में पटैटो है उसमें क्या डाल दिया गया है शुगर डाल दिया गया है ठीक है तीसरा क्या है पुट वन टी स्पून सॉल्ट इन कप सी और जो कप सी है उसमें क्या डाल दिया गया है सॉल्ट डाल दिया गया है किस में जो कैविटी है ना उस कैविटी के अंदर कप में नहीं कैविटी के अंदर जो हमने क्या किए थे जो पटैटो है उसमें जो कैविटी करी थी जो होल किया था उसके अंदर डाल दिया गया है ठीक है डी में है पुट वन टी स्पून शुगर इन अ बॉयल पटैटो कप डी की डीज फॉर टू आवर्स देन ऑब्जर्व द फोर पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग और जो कप डी है ठीक है उसमें क्या रखा गया है उसमें जो आलू है वो उबला हुआ आलू रखा गया है और उसमें चीनी डाला गया है ठीक है फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन में कि जो ए कप है उसमें कुछ नहीं रखा गया है सिर्फ एक पटैटो रखा गया है वो भी क्या कैविटी वाला मतलब होल करके जो बी है कप बी है उसमें क्या रखा गया है उसमें शुगर डाला गया है जो कप सी है उसमें सॉल्ट डाला गया है और जो कप डी है उसमें बॉयल पटैटो रखा गया है और साथ में चीनी डाली गई है ठीक है अब वो क्या कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इन एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप उसे दो घंटा छोड़ दोगे और दो घंटा छोड़ने के बाद आप ऑब्ज़र्व करोगे कि चारों पटेटो जो है उन पर क्या क्या चेंजेस आए हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी यानी जो खाली पोर्शन था बी एंड सी उसमें पानी क्यों भर गया आपको ये बताना है ठीक है बी और सी में पानी क्यों भर गया है कौन सा बी जो कप बी और कप सी था तो आंसर है वाटर गैदर इन हॉलोड पोर्शन ऑफ सेटअप बी एंड सी बिकॉज वाटर एंटर द पोटैटो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस सीन्स द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल द वॉटर मूव्स इन साइड बाई ऑसमोसिज वाटर गैदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ द पोटैटो कप यानी इन दोनों में हमने सॉल्यूट डाला था क्या डाला था कि एक में चीनी डाला था और एक में नमक डाला था इसीलिए इनमें क्या हो गया इसीलिए इनमें पानी भर गया तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ ऑस्मोसिस अभी पढ़ा था ना हमने क्वेश्चन नंबर एट में कि ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सनट्रेशन पर वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं तो इसी कारण क्या हुआ कि इनमें सॉल्यूट डाला गया था तो ये दोनों क्या हो गए बी एंड सी कब बी एंड सी क्या हो गए पानी भर गया ठीक है क्या सॉल्यूट डाला था हमने कि एक में बी में हमने क्या करा था चीनी डाला था और एक में हमने नमक डाला था तो इसलिए ये क्या हो गए दोनों के दोनों भर गए थे अब है इसका जो बी पार्ट है उसमें पूछा गया है वाई इज़ पटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यानी जो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें जो पटैटो ए है उसकी ज़रूरत क्यों थी क्यों क्योंकि उसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं तो फिर वो एक्सपेरिमेंट में क्यों लिया गया आंसर है पोटैटो ए इन द एक्सपेरिमेंट एक्ट एज अ कंट्रोल सेटअप नो वाटर गैदर इन द हॉलर पोर्शन ऑफ पोटैटो ए तो हमने ना पोटैटो ए में ना कुछ भी नहीं डाला था इसलिए इसमें हमने कुछ नहीं डाला कि और ये बताने के लिए कि हम उसे क्या कर रहे हैं बाकी बी सी डी से कंपेयर कर रहे हैं इसीलिए हमने पटैटो ए को लिया कि हम उसमें कुछ भी नहीं डाल रहे कि हम बी सी डी से कंपेयर कर लेंगे कि आखिर में दो घंटे बाद क्या होता है ठीक है थर्ड था इसका एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी यानी कप ए और कप डी की जो कैविटी में पानी क्यों नहीं आया आपको ये बताना उनकी कैविटी में पानी क्यों नहीं आया बी और सी में तो आ गया था बी और सी में इसलिए आ गया था क्योंकि हमने उसमें सॉल्यूट डाल रखा था अब इन दोनों की कैविटी में पानी क्यों नहीं आया ये बताना है चलिए देखते हैं वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉल पोर्शन ऑफ पोटैटो ए बिकॉज पोटैटो ए इज एंटी इट इज अ कंट्रोल सेटअप इन द एक्सपेरिमेंट दूसरा वाटर इज नॉट एबल टू एंटर पोटैटो डी बिकॉज द पोटैटो यूज हर इज बॉयल बॉयलिंग द नेचर द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेमज एंड दस डिस द सेल मेमरेज फॉर ऑस्मोसिस इज अ सेमी प्रियमेबल मेमरेज इज रिक्वायर्ड विच इज डिसरप्टेड इन दिस केस हैंज वाटर डज नॉट एंटर द बॉयल पोटैटो कप क्यों नहीं आया देखो जो कप ए था उसमें तो पानी इसलिए नहीं आया क्यों क्योंकि वो एम था वो खाली था ठीक है वो तो हमारा क्या था एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक कंपेयर करने के लिए रखा था इसलिए उसमें पानी नहीं आया क्योंकि उसमें कुछ सॉल्यूट डाला ही नहीं था अब जो कप डी है उसमें पानी क्यों नहीं आया उसमें इसलिए नहीं आया क्योंकि जो कप डी में जो पटैटो था जो आलू था वो क्या था बॉयल पटैटो था उबला हुआ आलू लिया था हमने क्योंकि जो बॉयल पटैटो की जो सेल होती है ना वो अपनी परमेबिलिटी खो देती है क्योंकि क्यों क्योंकि वो बॉयल हो गया है, इसीलिए कप डी में क्या नहीं आया पानी नहीं भरा ठीक है तो ये था इसका थर्ड पार्ट का आंसर अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर टेन है जिसमें पूछा गया है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज़ इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मतलब विच टाइप कौन से टाइप्स के ठीक है हमें टाइप्स बताने हैं सेल डिवाइड्स होते हैं वो बताने हमें दूसरा किस चीज़ में जो रिक्वायर करें हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी को रिपेयर करने में ठीक है तो आंसर क्या है दे आर टू वेव्स इन विच आर सेल डिवाइड तो जो सेल डिवाइड होते हैं वो किस किस में होते हैं दो में होते हैं एक होते हैं माइटोसिस और एक होता है माइसोसिस ठीक है माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन दैट इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी वेयर एज माइसोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स तो जो माइटोसिस होता है वो क्या होता है वो एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जो इन्वॉल्व करता है ग्रोथ को और रिपेयर करता है हमारी बॉडी को और अगर दूसरी बात हम माइसोसिस की, की जाए तो माइसोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन होता है जिसका रिजल्ट क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है ठीक है ये था क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर और ये था क्लास नाइन का चैप्टर तो आई होप आपको समझ में आया होगा तो प्लीज अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पे अगर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए तो फिर थैंक यू